Hey guys, what's up? It's Muskan. Welcome back to my channel, The Sake of Medicine. Before starting today's topic, please consider to like this video, subscribe to my channel if you haven't yet. That will motivate me. So, today's topic is bronchial asthma. And हम start करेंगे उसको topic wise कुछ headings के अंदर पढ़ेंगे, जैसे first है definition और आगे भी classification, etiopathogenesis, उसका morphologic features है, clinical features है, वो सब आएगा. अब अस्थमा की डेफिनेशन में इफ आई सिंपली से उसमें क्या होता है, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का जो सेंसिटिवनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, वो हाइपर सेंसिटाइज्ड हो जाएगा किसी भी स्टिम्यूली के रिस्पांस में, एंड दैट विल लीड टू नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज. ठीक है, और जो किस दो तरह से रिलीव हो सकता है, दैट मे बी स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप, और बिकॉज और बाय एनी काइंड ऑफ थेरेपी. ठीक है, वंस मोर, व्हाट इज दैट अस्थमा है क्या, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री का रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज हो जाना, हाइपर सेंसिटिव हो जाना. ठीक है, जिसकी वजह से एयर पैसेज का नैरोइंग हो जाए, एंड दैट इज रिलीव्ड स्पॉन्टेनियसली अपने आप और बाय थेरेपी. सो नाउ लेट्स जस्ट रीड द डेफिनेशन. अस्थमा इज अ डिसीज ऑफ एयरवेज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री टू अ वराइटी ऑफ स्टिमुलाई रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड spasmodic narrowing of the air passages which may be relieved spontaneously or by therapy. ओके, अब इंसिडेंस देखें तो ऐसे तो ये सारी एजेस में देखने को मिलता है, बट इट मे अकर मोस्टली बिफोर 10 ईयर्स ऑफ एज. अडल्ट्स में बोथ द सेक्सेस आर अफेक्टेड इक्वली, बट इन चिल्ड्रन द रेशियो इज लाइक दिस, मेल इज टू फीमेल इज 2:1, यानी कि मेल जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते कंपेयर टू फीमेल. ओके, सो नाउ इज क्लासिफिकेशन एंड पैथोजेनेसिस. देर आर थ्री मेन टाइप्स, उसमें भी एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और मिक्सड, ऐसे तीन टाइप्स हैं जिसमें से एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक आर द इम्पॉर्टेंट वन. मिक्सड वन है इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट मच. सो एक्सट्रिंसिक जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटोपिक और एलर्जिक अस्थमा. दैट इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ अस्थमा विच अकर्स इन पीपल, एंड देर इज सम काइंड ऑफ पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सम एलर्जिक डिसीजेज लाइक राइनाइटिस, अर्टिकेरिया, इन्फेंटाइल एक्जीमा एट्सेट्रा. पेशेंट डेवलप्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और यहाँ पर जो IgE लेवल होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई लेवल इन द सीरम इज इंक्रीज्ड. अब यहाँ पर हमने IgE ही क्यों बोला, दूसरा और कोई इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्यों नहीं बोला, बिकॉज IgE का क्या फंक्शन होता है कि वो एलर्जिक रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है. कैसे इनिशिएट करेगा, मास्ट सेल को बोलेगा कि भाई तू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज कर, और RBC का इन्फिल्ट्रेशन, जहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो वहाँ पर RBC का इन्फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर देगा. सो इन समरी हम क्या कह सकते हैं कि IgE क्या काम करेगा, वो मास्ट सेल को बोल के एलर्जिक रिस्पॉन्स का इनिशिएशन करवाएगा. ठीक है, एंड हम सबको पता है कि अस्थमा एलर्जेंस की वजह से होता है, सो यहाँ पर इसकी वजह से IgE का लेवल इंक्रीज्ड है सीरम में. राइट, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड IgE इन सीरम, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज पॉजिटिव स्किन टेस्ट. स्किन टेस्ट कैसे होता है, बाय पंक्चरिंग और स्क्रैचिंग, ओके, स्किन पे, एंड दैट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एनी काइंड ऑफ एलर्जी टू एनी पर्सन, एंड दैट इज मोर देन यूज्ड फॉर मोर देन 50 डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जेंस. पोलन हो गया, मोल्ड हो गया, पेट डैंडर हो गया, डस्ट हो गया, माइट्स हो गया, ये सबके अगेंस्ट ये यूज होता है कि डिटेक्ट करने के लिए कि एलर्जी है किसी पर्सन को या नहीं. तो यहाँ पर जो है स्किन टेस्ट पॉजिटिव होगा, किस में, एक्सट्रिंसिक में. इंट्रिंसिक की बात ही पूरी अलग रहेगी, तो जब हम इंट्रिंसिक पढ़ेंगे तो उसमें इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं पूरा अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगी. अब यहाँ पर देखने जाए तो मोस्टली स्टूडेंट्स का क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है, अक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स और लेट फेज रिएक्शन. सो ये दोनों एक फेजेज हैं, पहले अक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, उसके होने के बाद लेट फेज रिएक्शन स्टार्ट होगा एक्सट्रिंसिक अस्थमा में. और इसको मैंने बहुत अच्छे एक फ्लो चार्ट काइंड ऑफ में जितना शॉर्ट हो सके उतना पॉसिबल मैंने किया है, होप कि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, अक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स में क्या होता है, द मास्ट सेल्स जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, वो उसका क्या हो जाता है, डीग्रैनुलेशन हो जाता है, एंड दे रिलीज मेडिएटर्स. अब वो मेडिएटर्स क्या करेंगे, ब्रोंकस का कंस्ट्रिक्शन करेंगे, इडीमा फॉर्मेशन करेंगे, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस करेंगे, इओजिनोफिल और न्यूट्रोफिल का एक्यूमुलेशन कर देंगे. तो अक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स में सिर्फ इतना ही होता है कि जो मास्ट सेल्स हैं बिकॉज ऑफ IgE क्या करेंगे, डीग्रैनुलेशन हो जाएगा उनका, मेडिएटर्स रिलीज करेंगे, और वो मेडिएटर्स क्या करेंगे, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेंगे, इडीमा प्रोड्यूस करेंगे, म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, एक्यूमुलेशन ऑफ इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. तो ये बात हो गई अक्यूट इमीडिएट रिस्पॉन्स की. अब इसके बाद क्या होता है,
लेट फेज रिएक्शन। लेट फेज रिएक्शन में जब ब्लड ल्यूकोसाइट्स का ज़्यादा ही मोबिलाइजेशन होता है तो वो भी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं, एंड वो भी फिर वही सेम इफेक्ट्स, वही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इडीमा हो गया एंड अदर ऑल दोज सेम इफेक्ट्स दे प्रोड्यूस। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर कि जो इन्फ्लामेटरी इंजरी है वो किसकी वजह से होती है, न्यूट्रोफिल्स की वजह से होती है और इओसिनोफिल्स के मेजर बेसिक प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, तो बस यही दो पॉइंट्स थे, अक्यूट इमीजिएट रिस्पॉन्स में भी इतना ही था और लेट फेज रिएक्शन में भी इतना ही था। तो ऐसे हमारा एक्सट्रिंसिक अस्थमा पूरा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रिंसिक की, इसको हम आइडियोसिंक्रेटिक या नॉन एटोपिक अस्थमा भी बोलते हैं। इसके नेम से शायद पता चल रहा होगा, आइडियोसिंक्रेटिक यानी कि इसका क्या कॉज है वो हमें पता नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज आइडियोसिंक्रेटिक। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि यहाँ पर IgE लेवल नॉर्मल है, नेगेटिव स्किन टेस्ट है, कोई फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री नहीं है, फिर भी दैट इज़ कॉजिंग अस्थमा। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज आइडियोसिंक्रेटिक। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स से हम देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये कब होता है, इट अकर्स इन लेटर अडल्ट लाइफ। जैसा कि मैंने बोला, कोई पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री नहीं रहेगी राइनाइटिस अर्टिकेरिया जैसे डिसीजेस की, स्किन टेस्ट भी नेगेटिव है, IgE का सीरम लेवल भी नॉर्मल है। ठीक है, देर इज़ इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय वायरस एंड देर इट इज़ एसोसिएटेड विथ नेजल पॉलिप्स एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अच्छा, पॉलिप पता है क्या होता है, पॉलिप यानी कि सॉफ्ट पेनलेस एकदम छोटा सा नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है, उसको हम पॉलिप बोलते हैं। तो नेजल पॉलिप यानी कि जो कि हमारे नेजल पैसेज में प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेजल पॉलिप्स। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस तो पता ही होगा, तो ये हमने इंट्रिंसिक कंप्लीट कर लिया। थर्ड टाइप इज़ द मिक्स टाइप। मिक्स टाइप कैसे पेशेंट के लिए जो ना तो इंट्रिंसिक में फिट बैठते हैं ना एक्सट्रिंसिक में फिट बैठते हैं, उसको उस पेशेंट को दोनों सिम्टम्स होंगे, दोनों फीचर्स होंगे। ठीक है, और जो अस्थमा अर्ली लाइफ में जिनका डेवलप हो जाता है वो स्ट्रांगली एलर्जिक क्रिएट होते हैं, और जिसका अस्थमा लेट पीरियड ऑफ लाइफ में डेवलप हो दे आर टेंड टू बी नॉन एलर्जिक, मोस्ट प्रोबेबली दैट हैपन्स। नेक्स्ट इज़ हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक में। एज ऑफ ऑनसेट हमने देखा था एक्सट्रिंसिक चाइल्डहुड में होता है और इंट्रिंसिक अडल्ट लाइफ में। हिस्ट्री एक्सट्रिंसिक में कॉमनली फैमिली हिस्ट्री या ऐसी कोई हिस्ट्री प्रेजेंट होती है और इंट्रिंसिक में एबसेंट होती है। प्रिसीडिंग एलर्जिक इलनेस एक्सट्रिंसिक में प्रेजेंट थी, अर्टिकेरिया और ये सब, बट इंट्रिंसिक में इट वॉज एबसेंट। एलर्जेंस दे वर प्रेजेंट इन एक्सट्रिंसिक बट इट वॉज नन इन इंट्रिंसिक। ठीक है, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी देर वॉज नन इन एक्सट्रिंसिक बट प्रेजेंट इन इंट्रिंसिक एंड स्पेशली फॉर एस्पिरिन। ठीक है, IgE लेवल एक्सट्रिंसिक में मैंने बताया था एलिवेटेड होता है और इंट्रिंसिक में इट इज़ नॉर्मल। एसोसिएटेड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इन नेजल पॉलिप एक्सट्रिंसिक में होता है बट एक्सट्रिंसिक में एबसेंट होता है एंड इंट्रिंसिक में प्रेजेंट होता है। एम्फिसेमा इज क्वाइट अनयूजुअल इन एक्सट्रिंसिक बट इट कैन हैपन इन इंट्रिंसिक। ओके, सो द नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजिक फीचर्स। लंग्स कैसा होता है, ग्रॉसली अगर हम देखें तो लंग्स कैसा होता है, ओवर डिस्टेंडेड रहेगा। वाई? बिकॉज ऑफ ओवर इन्फ्लेशन। कट सर्फेस अगर देखें ना तो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोज जो होते हैं ना वो म्यूकस प्लग की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड दिखते हैं। ठीक है, अब आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में यहाँ पे बहुत दो एकदम बढ़िया सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। पहला है कर्शमैन्स स्पाइरल और दूसरा है चेरकॉट लेडन क्रिस्टल। जो म्यूकस का प्लग है ना उसका अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो उसमें क्या चीज़ होती है, रेस्पिरेटरी एपिथीलियम जो कुछ ट्विस्टेड स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कर्शमैन स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वो इमेज भी ऐड किया है तो मैं बताऊंगी। ठीक है, स्प्यूटम जो है उसमें बहुत सारे RBCs यानी इओसिनोफिल्स प्रेजेंट होते हैं और डायमंड शेप क्रिस्टल यानी कि चेरकॉट लेडन क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रोंकियल वॉल कैसी होती है, उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक होता है, उसका जो सब म्यूकोजा है उसमें इडीमा प्रोड्यूस होता है एंड देर इज इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट इओसिनोफिल एंड प्लाज्मा सेल। ठीक है, इंट्रिंसिक अस्थमा अगर किसी पेशेंट को होता है तो ब्रोंकाइटिस और एम्फिसेमा के चेंजेस भी उसमें इंटरवीन होते हैं। सो ये रहा वो इमेज। अगर इसमें देख रहे हो ये जो डायमंड शेप्ड है दे आर कॉल्ड एज चेरकॉट लेडन क्रिस्टल और कर्शमैन स्पाइरल जो ट्विस्टेड लाइक स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड एज कर्शमैन स्पाइरल। सो ये दोनों एक बहुत ही आइकॉनिक फीचर है किसके, ब्रोंकियल अस्थमा के। ठीक है,
नेक्स्ट इज क्लिनिकल फीचर. अपने हमने मूवी में देखा होगा कभी कभी किसी को अस्थमा का अटैक आता है, ऐसे पेशेंट नॉर्मल रहता है, बट उसको अचानक से अस्थमा का अटैक आता है, उसको वो पंप चाहिए होता है, उससे इनहेल करता है, फिर थोड़ी देर में ही इज़ ओके. सो वही चीज़ है द एपिसोड ऑफ अक्यूट एग्जर्बेशन विद सिम्टम फ्री पीरियड्स इन बिटवीन. ओके, सेकेंड पॉइंट इज देर इज पेरोक्सिज्म ऑफ डिस्निया, कफ एंड वीजिंग. थर्ड वन इज द अटैक लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स टू आवर्स. ओके, अब फोर्थ पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस अस्थमैटिकस. स्टेटस अस्थमैटिकस यानी कि जब अटैक जो है वो कंटिन्यूअसली होता हो, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटस अस्थमैटिकस. अब इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे? बाय डेमॉन्स्ट्रेटिंग द सर्कुलेशन इओसिनोफीलिया. इओसिनोफीलिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड आरबीसी. ठीक है, तो सर्कुलेशन में आरबीसी कितना इंक्रीज है उससे. और स्प्यूटम के अंदर मैंने कौन से दो आइकॉनिक फीचर्स बताए थे? कर्शमैन स्पाइरल और चेरकॉट लेडन क्रिस्टल. ये दोनों है, हाँ, तो ये दोनों उसमें प्रेजेंट है या नहीं उसके ऊपर बेस है. देन इज क्रॉनिक केसेस में प्रेजेंट विद कोर पल्मोनेल. अगेन कोर पल्मोनेल मैंने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज कोर पल्मोनेल एंड व्हाई क्रॉनिक सीओपीडी के पेशेंट्स जो है वो कोर पल्मोनेल के फीचर के साथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दैट एंड्स अवर वीडियो फॉर ब्रोंकियल अस्थमा. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो योर सपोर्ट. थैंक यू.